हेलो एवरीवन, जय श्री राम। देखिए, आज मैं एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से सबको पसंद आएगी, क्योंकि जब हम लोग पनीर बनाते हैं, चाहे वो शाही पनीर हो या चिली पनीर हो या कड़ाही पनीर हो, तो थोड़ा टाइम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है और सारी किचन भी फैल जाती है, हम लोगों को बहुत काम बढ़ जाता है। जब पनीर बनाने का नंबर आता तो सोचना पड़ता कि आज नहीं, चलो कल बना लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आज मैं कढ़ाई पनीर बनाना बताती हूँ, जो आप बिल्कुल आलस नहीं करेंगे। अगर तीसरे भी दिन भी बच्चे मांग करेंगे कि हमें पनीर खाना है, तो आप बना सकते हैं बहुत आराम से। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ पहले। अब देखिए, ये मैंने पनीर काट लिया है, ये घर का पनीर है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, क्योंकि मैं जब भी पनीर बनाती हूँ मैं घर का ही बनाती हूँ फाड़ के, मैं बाहर से पनीर नहीं लाती हूँ। अब देखिए, 2 क्यूब साइज़ में मैंने प्याज काट के रखी है, 2 मैंने शिमला मिर्च काट के रखी है, 2 टमाटर काट के रख ली और 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी है। अब ये सब्ज़ियाँ तो हमारी कट चुकी हैं, और मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं है, बस सारी सब्ज़ियाँ ये डाल देनी है, जैसे प्याज टमाटर और ये शिमला मिर्च है, बाकी हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, ना पानी है ना ऑयल है। अब थोड़ा सा मैंने ये जो पनीर है ये आधा पनीर डाला है, आधा पनीर मैंने बचाया है, ये डाल दिए हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, ये है नमक, मतलब सारी चीज़ें डाल देनी है पहले। ये 1 टेबल स्पून मैं भर के डाल रही हूँ फ्रेश दही, क्योंकि दही के बिना अधूरा रहता है, दही से बहुत अच्छा बनता है, और दही में पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी वाली दही है तो उसको छान लेनी चाहिए। दही बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए जैसा गोला रखा हुआ है। तो देखिए, मिला के इसको हमें और 5 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो इसके जो मसाले के फ्लेवर हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए सब्ज़ी में। अब लेना है एक पैन, पैन में मैंने ये ऑयल लिया है, ये देसी तेल है, और लिया है ये मैंने मक्खन, जो घर का मक्खन होता है, ये कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए, क्योंकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, अगर कोई चीज़ डिश बनाते हैं। अब इसको उबाल आने पर इसमें डाल देना है। देखिए, वही प्रोसीजर है जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं, इसी तरह से उस ऑयल की जगह उसमें मक्खन डाला जाता है, इसमें ऑयल डाल दिया है, मक्खन भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयल ही डालते हैं। और इसको मिक्स करना है। अब देखिए, ढक के गैस पे रख दिया है और 2 मिनट बाद इसको चलाना है, ताकि जो हमारी ये दही थी हमारी मेल्ट हो गई इसमें और ये इसमें मिक्स हो गई है सारे। इसको चलाते ही रहना है 2 मिनट, क्योंकि दही थोड़ा फटने का डर रहता है, लेकिन वैसे तो नहीं फटती, गाढ़ी दही थी, लेकिन थोड़ा फिर भी चला देते हैं। और इसको 10 मिनट के लिए हमें ढक के रख देना है, गैस का बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है, और बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि जो, क्योंकि पानी तो इसमें होता नहीं है बिल्कुल भी, ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का ऑयल डाला है, तो ये पनीर तो हमारा करीब करीब बन के ही रेडी हो गया। लेकिन जो हमने पनीर बचा के रखा था आधा, वो भी डाल दिया है। मैंने आधा पनीर इसलिए बचाया था क्योंकि जब घर का पनीर होता है तो सॉफ्ट होता है और वो बनते बनते बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाता है, लेकिन बच्चे पनीर ढूंढते हैं, तो इसलिए मैंने आधा पनीर बाद में डाला है। अब इसको भी ढक देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए। पनीर बन के रेडी हो गया। तो ये किचन किंग मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा डाला है मैंने चाट मसाला, क्योंकि किचन किंग और चाट मसाला डाल देते हैं ना, एकदम यूनिक डिश बनती है, उसका टेस्ट ही अलग रहता है। मेरे पास हमेशा चाट मसाला ज़रूर मिलेगा मेरे फ्रिज में, क्योंकि मैं चाट मसाला बहुत ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए, पनीर बन के हमारा रेडी हो गया, कढ़ाई पनीर, इसमें कोई ऑयल ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत थोड़ा सा ऑयल है बस, वही डाला है, और धीरे धीरे बनी है ये। तो सर्विंग बाउल में करते हैं। देखिए, करते करते खुशबू बहुत सुंदर आ रही है और देखने ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए, अगर आप भी झंझट से बचना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये तरीका कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सबको जय श्री राम।